बच्चों, हम पत्र लेखन व प्रारूप लेखन में विज्ञप्ति लेखन और अधिसूचना का आज अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने निविदा सूचना का अध्ययन किया था। आशा है आपको समझ में आया होगा और आपने निविदा के उदाहरणों को लिखकर भी देखा होगा। तो आज हम बात करते हैं विज्ञप्ति लेखन और अधिसूचना की। तो सबसे पहले हम विज्ञप्ति को समझ लेते हैं कि विज्ञप्ति है क्या। सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, दोनों विभाग, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं उन्हें ही विज्ञप्ति कहते हैं। तो क्या होता है, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी विभाग हो, तो उनके जो भी निर्देश होते हैं, वो जो भी घोषणा करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उनसे संबंधित सूचनाओं को हम लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे, वो हम लोगों को एक आदेश जारी करते हुए उनको पहुंचाएंगे। तो जो आदेश हैं वह क्या कहलाते हैं, वह विज्ञप्ति ही कहलाते हैं। विज्ञप्ति की जो भाषा है वह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इसमें किसी प्रकार का संबोधन नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पर किसी को संबोधित करके नहीं लिखी जाती है, वो सबके लिए है। तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। विज्ञप्ति की सूचना यदि एक ही विभाग अथवा कार्यालय के कर्मचारियों तक पहुंचानी हो तो उसे प्रारूप के रूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगवा दिया जाता है। यदि किसी कार्यालय के कर्मचारियों को ही कोई सूचना देनी है तो फिर वहां पर जो कार्यालय के बाहर एक शाम पट होगा या ब्लैक बोर्ड होगा, तो उसके सूचना पट्ट पर ही, तो कार्यालय में जो भी एक सूचना पट होगा तो उस सूचना पट पर ही विज्ञप्ति को लिख दिया जाता है। लेकिन जनसामान्य लोगों के लिए अगर विज्ञप्ति होती है तो फिर उसको समाचार पत्र या सरकारी गजट में प्रकाशित करवाया जाता है। यदि विज्ञप्ति के प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है। विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग को निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। तो जो विज्ञप्ति जारी करेगा जो भी विभाग, वह समाचार पत्र को क्या करेगा, एक निर्धारित शुल्क देगा, तभी उसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो हम यहाँ पर विज्ञप्ति का एक प्रारूप देख लेते हैं और फिर उसका एक उदाहरण भी देखेंगे। तो विज्ञप्ति का प्रारूप यहाँ पर है, विभाग का नाम व पता यहाँ पर दिया जाता है। विभाग का नाम व पता पहले लिख दिया जाता है, इधर पत्र क्रमांक और उधर दिनांक और स्थान लिख दिया जाता है। फिर यहाँ पर विज्ञप्ति का जो विषय होता है उसका शीर्षक लिखा जाता है और फिर पूरी विषय वस्तु, जो भी सूचना दी जाती है, वह यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ पर हस्ताक्षर और पद नाम लिखा जाता है। तो हम इसका एक उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तो यहाँ पर बच्चों ये बीच में आएगा, फिर इधर यहाँ पर क्रमांक है और यहाँ पर दिनांक दी जाएगी, फिर यहाँ पर हम विज्ञप्ति लिखेंगे। तो आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाने वाली संविक्षा परीक्षा 15 मई 2019 के स्थान पर 6 जून 2019 को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र व अन्य सूचनाएं यथावत रहेगी। तो जो सचिव है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यह विज्ञप्ति कौन से विभाग के द्वारा जारी की गई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी की गई है। और यहाँ पर इसकी दिनांक भी दी गई है कि कब इसको जारी किया गया था। फिर यहाँ पर वो सूचना, विज्ञप्ति के द्वारा जो सूचना वह लोगों को प्रेषित करना चाहते हैं, वो सूचना यहाँ पर लिखी गई है और फिर यहाँ पर सचिव के हस्ताक्षर होंगे। तो बच्चों ये विज्ञप्ति का उदाहरण था, आप इसे याद कर लीजिए और अन्य उदाहरण को भी आप देख लीजिए। आगे हम देखते हैं अधिसूचना। अधिसूचना को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। तो केंद्र अथवा राज्य सरकार जब सरकारी आदेशों को आम जनता के लिए प्रसारित करवाती है तो इन सूचनाओं को वैधानिक दृष्टि से अधिसूचना कहा जाता है। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार अपने सरकारी आदेशों को किनके लिए प्रस्तुत करती है, जनसामान्य के लिए, तो वह अधिसूचना कहलाती है। किसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी को दी जाने वाली सूचना अधिसूचना है। यह सरकारी गजट, सरकारी अखबार होता है उसको हम सरकारी गजट बोलते हैं, उसमें प्रकाशित होने वाली सरकारी सूचना है। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है किंतु इसका उद्देश्य सामान्य जनता को सूचित करना होता है।
अधिसूचना किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है, लेकिन इसका उद्देश्य सामान्य जनता को सूचित करना होता है। अधिसूचना के माध्यम से ही सामान्य सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित होकर अधिकृत सूचनाएं बनती है। तो सामान्य जो सूचनाएं होती है वह जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है तो वह अधिकृत सूचनाएं बन जाती हैं। अधिसूचना सूचनार्थ होती हैं, इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती, ये सूचना के लिए होती हैं। अधिसूचना की भाषा राजभाषा होती है। अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति को इसमें संबोधित नहीं किया जाता है। इसमें विशेष संबोधन का उल्लेख नहीं होता है। राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम से ये अधिसूचनाएं जारी की जाती है। तो हम एक प्रारूप और एक उदाहरण इसका देखेंगे। भारत के राजपत्र भाग, यहाँ पर भाग होगा खंड में प्रकाशनार्थ, क्योंकि जो अधिसूचना होती है वह राजपत्र या सरकारी गजट में प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर सरकार, कौन सी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो उसका यहाँ पर उल्लेख होता है। जैसे राजस्थान सरकार की है तो राजस्थान सरकार आएगा, यदि भारत सरकार की है तो भारत सरकार आएगा। फिर यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखा जाता है और स्थान लिखा जाता है। यहाँ पर पत्र संख्या, उधर दिनांक आती है। यहाँ पर अधिसूचना ऊपर लिखकर नीचे विषय वस्तु लिखी जाती है। जो भी सूचना यहाँ पर देनी होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर प्रतिलिपि सूचनार्थ जिन लोगों को भेजी जा रही है उनका यहाँ पर नाम होता है। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर और पदनाम आता है। तो बच्चों, ये तो है अधिसूचना का प्रारूप। अब हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं। अधिसूचना उदाहरण, तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और कौन सा मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर फिर हम पत्र संख्या लिख देंगे, उधर दिनांक लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अधिसूचना, फिर यहाँ पर विषय वस्तु आएगी। राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी श्री क ख ग को, यहाँ पर जो अधिकारी उसका नाम आ जाएगा, 22/7/2019 से भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रथम श्रेणी के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। तो बच्चों, ये सूचना यहाँ पर सबके लिए है। फिर हस्ताक्षर यहाँ पे आएंगे संयुक्त सचिव के, जो भारत सरकार के, तो यहाँ पर हस्ताक्षर और यहाँ पर पदनाम आएगा। फिर यहाँ पर वापस से क्रम संख्या आएगी, और यहाँ पर प्रतिलिपि सूचनार्थ किसको भेजी जा रही है उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो तीन लोगों को यहाँ पर प्रतिलिपि भेजी जा रही है। तो यहाँ पर रक्षित पत्रावली, एक को सुरक्षित रख भी लिया जाता है। तो ये अधिसूचना का उदाहरण है। तो बच्चों, आपको अधिसूचना यहाँ पर समझ में आई होगी। अब हम अगले वीडियो में अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।